27 अप्रैल को जी वफाकी हुकूमत बजट पेश करने वाली है और इस वक्त बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं बिजनेस कम्युनिटी को और बहुत सी प्रपोजल भी जा चुकी हैं गवर्नमेंट को बजट के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि जी इस वक्त जो हालात उस गवर्नमेंट के जा रहे हैं या इस पर जो पब्लिकली या जो भी इकोनॉमिकल पोजिशन हमारी है इस वक्त एक बहुत ज़्यादा हो रही है बात कि जी गवर्नमेंट एमनेस्टी देगी और एमनेस्टी गवर्नमेंट को ज़रूर देनी चाहिए ताकि जो लोगों ने डिक्लेरेशन नहीं दी हुई या अपनी प्रॉपर्टीज़ या अपने पैसे को काले से वाइट करना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट को ये एक दफ़ा एमनेस्टी ज़रूर देनी चाहिए। ये जी इस वक्त जो सबसे बड़ी डिमांड है आप देखें कि गवर्नमेंट की और एफबीआर की हर वक्त कोशिश होती है कि डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी हो लेकिन इसमें गवर्नमेंट का बड़ा अहम हाथ होता है कि डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी करने में लेकिन हमारे एफबीआर गवर्नमेंट ही नहीं चाह रहे कि डॉक्यूमेंटेड और इकॉनमी हो। उसकी ये वजह है कि आपको पता है कि कुछ अर्से से विद होल्डिंग टैक्स लगाया गया है और ये पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसी बात नहीं है कि आप एक फाइलर को उसका अपना पैसा बैंक से निकलवाने पर उसको टैक्स लगा दें। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं अपने पैसे जमा करवाता हूँ अपने अकाउंट के अंदर और जब मैं निकलवाने जाता हूँ तो मुझे 0.60 या 0.40 मेरे से काट लिया जाता है। मैं एक टैक्स पेयर हूँ तो मेरे से वो काटना बनता नहीं है। हमने हुकूमत से कहा है कि विद होल्डिंग टैक्स ज़रूर लगाएं लेकिन नॉन फाइलर पे लगाएं ताकि वो डिस्कर्च हो और वो फाइलर की उसमें लाइन के अंदर आ जाए। आपने देखा है कि ये क्योंकि ये इस विद होल्डिंग टैक्स की वजह से आपकी बैंकिंग सेक्टर तबाही के धाने पे पहुंच चुका है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के लिए मसला ये बना हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो रहा है। लोगों ने कैश कैरी करना शुरू कर दिया है। ये जी एक पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तानी आवाम के लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि डॉलर 108 से एकदम शूट अप करके 115-116 की हद तक पहुंच गया है। आपको पता है कि डॉलर और पेट्रोल अगर महंगा होता है दोनों चीज़ें तो आपकी तमाम ए टू जी तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं जिसमें आपके ये खाने पीने की एशिया हैं ज़रूरियाती ज़िंदगी की एशिया हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल मंगवाती है वो भी इसी डॉलर से ही आता है। जब ये रॉ मटेरियल से आप कोई प्रोडक्ट बनती है और जब रेट पे उसका इंक्रीज होता है तो उसका असर जो है वो आवाम पे ही पड़ता है। अच्छा इसकी सबसे बड़ी वजह ये है डॉलर के रेट के ऊपर जाने की। एक तो हमारे रिजर्व्स बहुत कम हो गए हैं 22 मिलियन से हम डाउन होकर 10 बिलियन डॉलर पे आ गए हैं जो कि एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। इसमें गवर्नमेंट को अब चाहिए कि हमें एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे फॉरेन रेमिटेंस बाहर से आते हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। आखिर में मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हैं तो हम हैं, तो हमें पाकिस्तान के साथ चलना है, पाकिस्तान की मदद करनी है और इसको डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी बनाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।